Jain, this is the subject matter of solicitation. I get solicited all the time because of my dashing good looks, my height, and most important, my incredible sense of humor. Of course, women don't understand that I am just reading a script, and the great sense of humor belongs to fabulously weird people called Grover and Patel and Khamba and Muntode. Obviously, the ladies don't believe any such men exist, and even if they do, none of them have my incredible good looks, which is why it is me that they solicit. But I do not like being solicited by women of the Mahila Mandal types who think we must be having loads of money to lend for charitable causes if we can spend so much on this show without earning any money from it. Solicit me, I say, to the girls in the audience, and the Mahila should look up the idiots who produce this show. Jai Hind. जैन फिनलैंड में एक गैंग है जो फूड टेररिस्ट्स के नाम से जानी जाती है। एक मिनट, कहीं ये संजीव कपूर तो नहीं है जो लोगों को मास्क पहनकर जा जाके धमका रहे हैं कि मेरा चैनल देखो नहीं तो कढ़ाई में डाल के फ्राई कर दूंगा। हो भी सकता है, इज डेफिनेटली बिहेविंग लाइक अ टेररिस्ट दीज डेज। संजीव कपूर के चैनल का नाम है फूड फूड फूड। ऐसा लगता है मानो कोई राक्षस है, एक बड़ा सा लेग पीस हाथ में लिए चिल्ला रहा हो, फूड 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 फूड। ट्रू टेरर। लौटते हैं रियल न्यूज पर। सॉरी, फिनलैंड के फूड टेररिस्ट ने अपने लोकल मैकडॉनल्ड्स में जाकर रोनाल्ड मैकडॉनल्ड के पुतले को किडनैप कर लिया। हाँ जी, देखिए ना यूट्यूब में, देखिए ये अपना एक वीडियो भी बनाया इन लोगों ने, देखिए। फूड टेररिस्ट के हिसाब से मैकडॉनल्ड्स सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सोशली रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या है? मतलब अब सोशली रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए क्या रोनाल्ड मैकडॉनल्ड के हाथों गरीबों को उनके फ्री मनपसंद बर्गर्स बांटने चाहिए? वैसे रोनाल्ड का कहना है, मैं कहीं फ्री बर्गर्स बांटने दो इस डर से ही मैकडॉनल्ड वाले मुझे बाहर एक कोने वाली बेंच पर बिठा देते हैं। पता नहीं ये चूतिए मुझे मैकडॉनल्ड्स का रियल ओनर कब बनाएंगे। इस पे फूड टेररिस्ट ने कहा है, तभी तो हम रोनाल्डवा को किडनैप किए हैं, साला हमेशा बाहर बैठा रहता है, ही इज अ वेरी सॉफ्ट टारगेट। वैसे बॉलीवुड में भी बहुत सारे फूड टेररिस्ट हैं, आई मीन अनाज के दुश्मन हैं। ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले किस्म के लोग दिखने में फूड टेररिस्ट नहीं लगते, पर है तो फूड टेररिस्ट। एग्जाम्पल, जो लोग अपने बाप का फूड खा खा कर अनाज के दुश्मन बने पड़े हैं, जैसे कि तुषार कपूर, अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरे और मेरे मनपसंद टाइप के फूड टेररिस्ट यानी अनाज के दुश्मन, जो साइज की वजह से इस कैटेगरी में शामिल हुए हैं, और सबसे बड़े एग्जाम्पल है बापीदा। बापीदा ने तो टेररिस्ट मतलब फूड टेररिस्ट के एंथम यानी एक ओरिजिनल गान भी बनाया। हाँ, अपना फूड टेररिस्ट भाइयों के लिए वो गान आप सुनिए। Okay, Bappida and the food terrorists trying to liberate the food of the world. Again, more controversial and funny news, and of course, our very own Savita Bhai.